अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने आपको पिछली वीडियो में कराची का ट्रैफिक जैम दिखाया था, तो आज उसी वीडियो का पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं। तो सीन कुछ यूँ है कि हम कुछ खरीदारी करने बोल्टन मार्केट जा रहे थे, तो रास्ते में काफी जगह ट्रैफिक जैम नजर आया, जैसे सदर, बोल्टन मार्केट, कुरंगी, सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक जैम था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये खतरनाक मंजर दिखाए जाए, और इसीलिए मैंने फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, ये वो रोड है जो जिना हॉस्पिटल की तरफ जाता है, इधर भी काफ़ी ट्रैफिक जैम है। इवन आप देख सकते हैं कि जिना हॉस्पिटल के सामने भी काफ़ी ट्रैफिक जैम है। तो अब हम सदर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितना ट्रैफिक जैम है। पिछली वीडियो में बोल्टन मार्केट का मैंने आपको ट्रैफिक जैम दिखाया था, इवन मेन मार्केट के अंदर का ट्रैफिक जैम भी दिखाया था, तो सदर में भी यही हाल है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा गलत बात मुझे लगती है वो ये है कि इतना चौड़ा रोड है आप देख सकते हैं, मगर लोगों ने राइट और लेफ्ट साइड पर पार्किंग एरिया बना लिया है, जहाँ दिल चाहता वहीं गाड़ी पार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 फीट का रोड है तो राइट और लेफ्ट साइड पर गाड़ियाँ खड़ी करने की वजह से चौड़ाई कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 3 to 4 feet बाकी रह जाता है, 3 से 4 feet बाकी रह जाता है। तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक ने जैम होना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही वजह होती है ट्रैफिक जैम होने की। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता चलूँ आपको कि इंसान मेन रोड पर कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाता है, जिसका उसको बाद में अफसोस होता है। आप ये देखकर खुद फैसला करें कि राइट साइड पर किस तरह वो अपनी गाड़ी टर्न कर रहा है, और आगे वन वे रोड है लेकिन फिर भी रॉन्ग वे आ रहे हैं, वो भी तेज़ स्पीड में आ रहे हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से इंसान हादसात का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो वापसी में भी जिना हॉस्पिटल के सामने इतना ही ट्रैफिक था, जब हॉस्पिटल के सामने ये हाल है तो रोड्स पे क्या होता होगा।
जी हाँ, तो ये होता है रोड्स पर। अच्छा जी, तो रोशनियों के शहर कराची के परवानों की एक गलती पेशे खिदमत है। अच्छा, दिख रहा है कि गाड़ी आ रही है लेकिन फिर भी अपनी कीमती जान की परवाह नहीं करते। इवन आप ये देखें, सिग्नल्स पे भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स अपना काम ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। तो हम सबको भी ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ना पहुंचने से देर से पहुंचना ज्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम सबको ये सीखने को मिलता है कि जाने अनजाने में हम किस तरह की गलतियां कर बैठते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं, अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डाल देते हैं। इस बात पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे यंग बॉयज को, कि प्लीज़ रोड पे बाइक को जहाज़ मत बनाया करें। इसका जो असल तरीका है, प्लीज़ इसको उसी तरीके से चलाएं। राइडिंग करना, वन व्हीलिंग करना, ये सब आपकी जान को ख़तरे में डाल सकता है। ना ही तो कोई राइडिंग आपको नफ़ा दे सकती है और ना ही वन व्हीलिंग। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि जब आप बाहर जाते हैं घर से तो एक एक लम्हा आपके वालिदैन आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप बिना किसी चीज़ की फ़िक्र किए मौत से खेल रहे होते हैं। मेरी आपसे खसूसन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने वालिदैन के बारे में सोचें, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी आपको इस स्टेज पे पहुंचाने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और आप बिना किसी चीज़ के सोचे अपनी जान को रोज़ ख़तरे में डाल देते हैं। जब भी आप कभी बाइक चलाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि पीछे घर में आपकी माँ आपके इंतज़ार में है, आपके वालिद मोहतरम आपके लिए खैर की दुआ कर रहे हैं और आपकी बहन आपका इंतज़ार कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें और अपने प्यारों को भी इसी चीज़ की तनकीन करें। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।